हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो शॉप व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं TC नेटवर्क के बारे में, क्योंकि TC नेटवर्क की तरफ से लिस्टिंग की अपडेट दे दी गई है। बहुत ही जल्द ये जो है लिस्ट होने वाला है। किस एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों किस तरीके से आप जो है TC नेटवर्क का जो क्वाइन है उसको आप मेटामास्क वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में और बिटकी वॉलेट में कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। सारी चीज़ें दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वहीं दोस्तों इनका जो है ख़ुद का वॉलेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसको कैसे जनरेट करना है इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसकी लिस्टिंग को लेके, इसकी सप्लाई को लेके, मेनेट कब तक की लॉन्च होगा उसके बारे में, और कौन कौन से एक्सचेंज है जिस पे आप इस क्वाइन को लिस्ट होता हुआ देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, हम इसी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट है TC नेटवर्क या TSC का ही प्रोडक्ट है, और इसमें आप लोगों ने अगर माइनिंग को स्टार्ट नहीं किया है तो वो माइनिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा। और क्योंकि बहुत ही जल्द ये हम सभी को प्रॉफिट देने वाला है, बहुत ही जल्द ये लिस्ट होने वाला है। किस एक्सचेंज पे लिस्ट होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे, और इसके जो लॉगिन करने का जो प्रोसेस है इसका पूरा सीक्रेट वीडियो मैंने आपको जो है बना के दे दिया है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों अगर आप इस समय लॉगिन करते हैं तो आपको जो है 40 कॉइन जो है दिए जाते हैं हर 6 घंटे में, यानी कि 4 बार आके आपको यहाँ सिंपल सा क्लिक करना रहता है। ये देखें, यू अर्न 40 TC एवरी 6 आवर, यानी कि 4 बार आके आपको यहाँ पे क्लिक करना रहता है। ये जो गेन एनर्जी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड आता है, ऐड आने के बाद आपको फिर से स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पहले आप देख लें, यहाँ पे 4180 कॉइन हैं क्लेम किए हुए। गेन एनर्जी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वीडियो चलती है, वीडियो को एंड होने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो है टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से दोस्तों आप जो है अगर किसी अदर पर्सन को अपना लिंक शेयर करते हैं तो आपको 50 टोकन जो है बोनस के तौर पे मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है टोटल यूज़र्स हैं इनके कितने हैं, 5,96,474, यानी 50,96,474 इनके जो है टोटल यूज़र्स हैं। लिस्टिंग को लेके इनकी कोर टीम की तरफ से क्या कहा गया है उसको जानने के लिए हमें इनके ट्विटर हैंडल पे चलना पड़ेगा, इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिम्बल है इनका टॉप पर, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आप जो है यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इनके ऑफिशियल जो है ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1,02,000 इनके जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं। यहाँ पे सारी अपडेट्स यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिस्टिंग को लेके क्या कहा गया है इनकी तरफ से वो बताते हैं हम आपको। द TT क्वाइन नेटवर्क, द फ्यूचर ऑफ TT क्वाइन विल बी गुड, यानी कि जो TT क्वाइन का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। वेन TT क्वाइन कम्प्लीट्स इट्स वर्क इन मैनी एरियाज, यानी कि कब अच्छा होगा इन TT क्वाइन का फ्यूचर, जब जो है TT क्वाइन बहुत सारे एरियाज़ में अपने वर्क को कंप्लीट कर लेगा। कौन कौन से एरियाज़ हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। स्मूदर डेटा फ्लो विल बी प्रोवाइडेड एंड अ मोर सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन मेनी एरियाज़, यानी कि जो है सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मूदर डेटा फ्लो का जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा बहुत सारे एरियाज़ में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टैग योर फेवरेट Tier 1 एक्सचेंज इन दी कमेंट, यानी कि इनकी तरफ से यूजर से सवाल पूछा गया कि आप Tier 1 में किस एक्सचेंज को देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिस्टिंग रोड मैप यहाँ पे दिया हुआ है, Bit4x करके एक एक्सचेंज है उस पर लिस्ट होता दिखेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनकी तरफ से कोई डेट फिक्स नहीं करी गई है कि किस डेट में ये लिस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ ये इमेज के तौर पे बताने की कोशिश करी गई है कि ये Bit4x पे जो है हो सकता हो ये लिस्ट होता दिखाई दे, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यूज़र्स ने क्या बताया है किस किस एक्सचेंज पे लिस्ट होता देखना चाहते हैं, यहाँ पे मोस्टली लोगों ने आप देख पा रहे होंगे बाइनेंस का नाम लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर लोगों ने जो है बाइनेंस का नाम लिया है, और सभी लोग जो है TT नेटवर्क को जो है बाइनेंस के ऊपर देखना चाहते हैं, ठीक है।
अब वहीं नीचे स्क्रॉल करते हैं, इनकी जो व्हाट्सएप को लेके भी एक अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अवर व्हाट्सएप चैनल इज़ ओपन्ड। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं इस लिंक पे तो इनका जो है व्हाट्सएप चैनल है वो ओपन हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वहीं नीचे स्क्रॉल करते हैं, विड्रॉ को लेके क्या कहा गया है, प्लीज़ केयरफुल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन विड्रॉइंग TC फ्रॉम द TT क्वाइन नेटवर्क एप्लीकेशन। यहाँ पे TT क्वाइन को जो है TC नेटवर्क एप्लीकेशन निकालते समय कुछ बातों का ध्यान देना है, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है वो जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप समझने की कोशिश करिएगा, दोज हु विड्रॉ टू अदर नेटवर्क अदर देन दी TSC नेटवर्क कैन नॉट सी देयर बैलेंस इन देयर वॉलेट। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है, जो लोग TSC नेटवर्क के अलावा किसी अदर नेटवर्क से निकासी करते हैं या विड्रॉ करते हैं वो लोग अपने वॉलेट में बैलेंस को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पेमेंट आर मेड टू द TSC नेटवर्क, क्योंकि पेमेंट जो की जाती है वो TSC नेटवर्क को की जाती है। ठीक है, अब वहीं नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताने की कोशिश करी गई, यू कैन व्यू योर बैलेंस बाई एडिंग अ प्राइवेट नेटवर्क टू योर Web3 वॉलेट। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि आप अपना बैलेंस अपना एक प्राइवेट जो है नेटवर्क यानी कि वॉलेट को जोड़कर आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, यानी कि ठीक है आप किसी भी तरीके का वॉलेट जो है इसमें ऐड करके उसके बाद जो है आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब वहीं आगे क्या बताया गया, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज 4 डिफरेंट TSC अटैच्ड एक्सचेंज। इसके अतिरिक्त आप 4 अलग अलग जो है एक्सचेंजेस का जो भी यूज कर सकते हैं। इवन इफ यूजर विड्रॉ देयर वॉलेट टू द BSC नेटवर्क, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि भले ही यूजर जो है वो अपने वॉलेट से BSC नेटवर्क को वापस ले ले। लास्ट में क्या बताया गया, इफ दे ऐड द TSC नेटवर्क टू द सेम वॉलेट अकाउंट दे विल सी देयर बैलेंस। अगर यूजर जो हैं अपने वॉलेट में जो इनका प्राइवेट जो वॉलेट है उसमें अगर TSC नेटवर्क को जोड़ते हैं तो वो अपना बैलेंस देख पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा फंडा ये समझाने की कोशिश करी गई है, अगर आप किसी भी वॉलेट का यूज़ करते हैं XYZ कोई भी हो सकता है और उसमें आपने TSC नेटवर्क को नहीं ऐड किया तो आप उस कंडीशन में आप जो है बैलेंस अपना नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों आपको अपना बैलेंस देखने के लिए अपने वॉलेट में नेटवर्क के तौर पे TSC नेटवर्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये इन्होंने बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे के पैराग्राफ में क्या बताने की गया है, मेनी यूजर्स डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं एंड अक्यूज अस ऑफ नॉट पेइंग, और कहते हैं कि जो मैं पे नहीं कर रहा हूँ, बट आवर टीम सपोर्ट्स योर प्रॉब्लम, यानी कि इनकी जो टीम है वो आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है एंड मेक्स पेमेंट, और जो है भुगतान देने की तैयारी कर रही है। द प्रॉब्लम आर यूजर्स एरर, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो यूज़र्स की एरर है, यानी कि एरर का मतलब ये है यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं अगर आप नेटवर्क नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगी, ये इनकी तरफ से बता दिया गया। अब वहीं पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे क्या बताया गया, सी वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं TSC मेनेट वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट है इस यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, ट्रस्ट वॉलेट को ऐड करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है, मेटामास्क वॉलेट को ऐड करने का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, और ये बिटगेट एक वॉलेट है उसको भी ऐड करने का पूरा प्रोसीजर बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सचेंज डिपॉजिट बिट फॉरेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इमेज दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेगी TSC नेटवर्क को ऐड करने के लिए अपने वॉलेट में। तो ये सारी चीज़ें जो इमेज में दिखाई दे रही हैं ये आपको जो है TSC नेटवर्क जो है वो ऐड करने का प्रोसीजर है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। सपोज़ करिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है और ट्रस्ट वॉलेट में आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट में आपको जो नेटवर्क है वो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर डालनी पड़ेगी TSC नेटवर्क में। तो कैसे डालना है, कैसे आपको ट्रस्ट वॉलेट में ये सारी चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता दूँ, तो इसके लिए आपके पास ट्रस्ट का वॉलेट होना ज़रूरी है। तो चलते हैं ट्रस्ट के वॉलेट के ऊपर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँ कैसे पड़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, इसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी है, वहाँ पर भी आप आसानी से देख सकते हैं, वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्लॉक चेन नेम क्या दिया हुआ, TSC मैनेज सिंबल TC, चेन ID 3330844, यहाँ पे RPC दिया हुआ है और ये एक्सप्लोरर है।
ठीक है। अब तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से यहीं से देख के आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है। तो अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पुट की जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे हमने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है आपको दो चीज़ जो आपके सामने आ रही होंगी, टोकन आ रहा है और नेटवर्क आ रहा है। तो जैसा कि इनकी अपडेट में बताया गया था कि आपको अपने वॉलेट में TSC का नेटवर्क सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने बताई थी कि आपने जैसे कि यहाँ पे टोकन है आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस पड़ जाएगा, ये आपका पर्सनल हो जाएगा। लेकिन अब ये हमारा पर्सनल जो है वॉलेट है और इस वॉलेट में हमको जो है TSC का नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ये नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। अब यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, नेम में क्या आ जाएगा, नेम में आ जाएगा दोस्तों TSC मेनेट, डाल देते हैं यहाँ पे TSC मेनेट यहाँ पे डाल दिया। और सिंबल में क्या बताया गया था, TC डाल दिया। अब नीचे आ जाते हैं नोट URL में, नोट URL में क्या डालना पड़ेगा आपको वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो थर्ड नंबर वाला है RPC, यही आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के बाद इसको नोट URL में पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहीं पे जो एक्सप्लोरर URL जो है उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देख लें एक्सप्लोरर में क्या है, tscscan.com, तो tscscan को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे सारी जो है TSC मेनेट की जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने फिल कर दी है। नेम में TSC मेनेट आ गया है, यहाँ पे देख लें सिंबल TC है, URL यहाँ पे ये आ गया है और एक्सप्लोरर में ये यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेनी है। और यहाँ से जो सेव वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल सा क्लिक पे, इतना करने के बाद आपने सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली हैं TSC मेनेट से रिलेटेड। अब जो भी होगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चेन एडिट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन सेंड रिसीव TSC मिनट क्वाइंस एड टोकन्स ब्राउज कनेक्ट टू TRs एंड मेनी मोर। तो दोस्तों इस प्रोसीजर के थ्रू आपने जो है TSC मिनट को अपने जो प्राइवेट जो है ट्रस्ट वॉलेट है उसमें ऐड कर दिया है। अब आप अगर विड्रा वगैरह करते हैं तो आपका बैलेंस शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल कर दीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर TSC का जो मिनट है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो है बैलेंस यहाँ पे शो हो जाया करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना वॉलेट में जो है TSC का मिनट ऐड कर लेना है, या हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।